हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्निप कोड। माय नेम इज राहुल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट अमाउंग फोर नंबर इन। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें यूजर से चार नंबर इनपुट लेना है। चार नंबर में से हमें बताना है कि हमारा कौन सा नंबर हमारा ग्रेटर नंबर है। तो कोड लिखने से पहले हम जान लेते हैं कि इस कोड का हमारा इनपुट आउटपुट एंड लॉजिक पार्ट क्या है, उसके बाद हम कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इनपुट आउटपुट की तरफ। तो सबसे पहले हम आते हैं आउटपुट की तरफ। ओके, कि हमें आउटपुट सिन पे क्या मैसेज प्रिंट करना है एंड हमें क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, सिंपल हमें करना है कि आउटपुट सिन पे हमें एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है, दैट इज इंटर नम वन, फिर इंटर नम टू, देन इंटर नम थ्री, फोर्थ इंटर नम फोर। एंड यूजर कुछ भी नंबर इनपुट करेगा, जस्ट लाइक यूजर नंबर इनपुट के लिए 10, 30, 95। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा नंबर नम टू है वो ग्रेटर है। सिंपल मुझे वही बताना है कि जो मेरा नंबर 30 है वो ग्रेटर है। तो ये मुझे आउटपुट से मुझे ऐसा प्रिंट करना है। दैट्स इट। आफ्टर दैट अभी हम जाते हैं कि इस कोड का हमारा लॉजिक पार्ट क्या है। तो लॉजिक पार्ट काफ़ी सिंपल है, केवल हमें इस कोड में हमें पूरे इफ एल्स इफ एलिफ एंड एल्स से ही खेलना है। अगर आप लोग को इफ एलिफ एलिफ एल्स ये सब अच्छे से आता रहेगा तो आप लोग को इसका लॉजिक समझने में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंपल हमें क्या करना है कि सबसे पहले मुझे इफ कंडीशन लगाना है। इफ कंडीशन में बोलना है कि जो मेरा नम वन है वो ग्रेटर दिखाना है मुझे। मैं लिखता हूँ इफ जो मेरा नम वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम टू है एंड जो मेरा नम वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम थ्री है। थर्ड आएगा एंड जो मेरा नम वन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम फोर है। अगर ऐसा होता है तो उन लोगों का जो मेरा नम वन है वो ग्रेटर है, जो मेरा ग्रेटर है। एंड सेम मुझे करना है एलिफ में। एलिफ में मुझे क्या करना है कि जो मेरा नम टू है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम वन, नम टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम थ्री, नम टू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू नम फोर। ओके, तो मुझे इसमें क्या करना है कि बेसिकली मुझे क्या करना है कि एलिफ में मुझे नम टू को ग्रेटर दिखाना है। ओके, एंड मैं फिर लिख दूंगा जो मेरा नम टू है वो ग्रेटर है, राइट। एंड उसके बाद मुझे एलिफ लगाऊंगा, अगेन एलिफ लगाऊंगा और एलिफ में बोलूंगा कि जो मेरा नम थ्री है वो ग्रेटर है। और लास्ट में मैं एल्स कंडीशन लगा दूंगा और इसमें मैं कुछ कंडीशन नहीं देना एल्स में। एल्स में सिंपल लिख दूँ कि अगर मेरा नम वन नम टू नम थ्री ग्रेटर हो जाता है, मैंने तीनों के लिए कंडीशन लिख दिया है। ओके, लास्ट में मेरा बस है नम फोर। ओके, तो अगर ये तीनों कंडीशन चेक हो जाता है, अगर ये तीनों में से कुछ ग्रेटर नहीं मिलता है तो लास्ट में मेरा नम फोर ही ग्रेटर होगा। ओके, तो मैं लिख दूंगा इसको, इसलिए मैं एल्स में लिख रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ जो मेरा नम फोर है वो ग्रेटर है। तो ये था इस कोड का हमारा लॉजिक पार्ट। लॉजिक काफ़ी सिंपल था, हमें केवल इफ एलिफ एलिफ एल से खेलना था। अभी हम जाते हैं अपने वीएस कोड में और ये लॉजिक को कन्वर्ट करते हैं अपने कोड में। जाता हूँ अपने वीएस कोड में। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाइथन कोडिंग पे इतने सारे वीडियोस बना चुका है। अब अप्रोक्स मैं आज ये मेरा 59 वीडियो है, मैंने 58 वीडियो बना चुका है पाइथन कोडिंग पे। तो आप लोग ने मेरा ये प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि न्यू फाइल लेता हूँ और मैं फाइल को सेव कर रहा हूँ। मैं जैसा कि मैं हर वीडियो में कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट और पाइथन फाइल को सेव कर रहा हूँ। मैं फाइल का नाम देता हूँ, लार्जेस्ट ऑफ थ्री num1.py। और मेरा लार्जेस्ट ऑफ फोर नंबर है तो मैं लार्जेस्ट ऑफ फोर num1.py। यहाँ पे मैंने नम वन क्यों दिया, अभी इसके सेम इसके अगले वाले वीडियो में हम सेम ही क्वेश्चन करेंगे लार्जेस्ट अमंग फोर नंबर को, बट उसमें हम मैक्स फंक्शन से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चार नंबर लेता हूँ यूजर्स इनपुट। तो मैं लेता हूँ नम वन इंट पुट, मैं इनपुट फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ इंटर नम वन। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड मैं फोर टाइम पेस्ट करता हूँ, टू के लिए, नम थ्री के लिए, नम फोर के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे उसका नेमिंग चेंज करना है तो सिंपल मैं
नम1 पे डबल टैप कर रहा हूँ एंड कंट्रोल डी करूँगा तो मेरा के नेक्स्ट वाला सेम नंबर सेम वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं करता हूँ नम2, सेम करूँगा मैं अभी नम3 के साथ, तो सेम करता हूँ मैं नम4 के साथ। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया कि 4 नंबर यूजर से मैंने इनपुट ले लिया है, नम1 नम2 नम4। ओके, एंड मुझे इफ कंडीशन लगाना है। इफ कंडीशन में मैंने कहा था कि सबसे पहले मुझे नम1 को ग्रेटर दिखाना है बाकी के नंबर से। ओके, तो मैं लिखता हूँ नम1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम2, एंड जो मेरा नम1 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम3 है, एंड जो मेरा नम1 है ग्रेटर देन इक्वल टू नम4 हो रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू होती है, आप लोग देखे तो मैंने एंड कंडीशन दिया है लोग के बीच में। ओके, एंड कंडीशन क्या करता है कि अगर तीनों कंडीशन सही होगा तभी ये इफ कंडीशन क्या आएगा, अंदर आएगा, अदरवाइज ये लिफ में चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मैंने और यूज़ करता तो क्या होता कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होता तो वो इफ कंडीशन के अंदर आ जाता। ओके, बट यहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया है क्योंकि मेरा यहाँ पे चारों में से एक ही नंबर ग्रेटर होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंड एंड ऑपरेटर यूज़ किया है। ओके, तो मैं आता हूँ इफ कंडीशन के अंदर आ जाऊँगा और मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट तो मेरा नम1 है वो ग्रेटर है, एंड अभी मैं एलिफ में आऊँगा और एलिफ में मैं सेम करूँगा, मैं नम2 को ग्रेटर दिखाऊँगा बाकी के नंबर से। लिखता हूँ जो मेरा नम2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम1 है, एंड जो मेरा नम2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम3 है, एंड जो मेरा नम1 नम2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम4 है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा प्रिंट जो नम2 है वो ग्रेटर है, एंड उसके बाद मैं आऊँगा एलिफ में और मैं अगेन कंडीशन लगाऊंगा जो मेरा नम3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम1 है, एंड जो मेरा नम3 है इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम2 है, एंड जो मेरा नम3 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम4 होता है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी मैं इफ एलिफ में आऊँगा ये वाले कंडीशन में, एंड मैं बोल दूंगा कि जो मेरा नम3 है वो ग्रेटर है, राइट। एंड लास्ट में आऊँगा मैं एल्स कंडीशन पे क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन चेक कर लिया है नम1 नम2 नम3 के लिए। मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा सकता हूँ एलिफ करके, एंड उसमें मैं उसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि नम4 इज ग्रेटर देन नम1, नम4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम2, नम4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम3, बट वो फुकट कंडीशन एक चेक होता। ओके, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, सिंपल मैं लिख दूंगा कि मैंने इफ पहले वाले कंडीशन में नम1 को ग्रेटर दिखा दिया, सेकंड में नम2 को, एंड थर्ड में नम3। ओके, अगर ये तीनों ग्रेटर हो जाता है तो लास्ट में, अगर ये तीनों में से कुछ ग्रेटर नहीं होगा तो लास्ट में मेरा नम4 ही बचेगा। ओके, सिंपल ले दूंगा जो मेरा प्रिंट नम4 है वो ग्रेटर है, राइट। सिंपल, अभी मैं सो प्रोग्राम को सेव करता हूँ, अभी मैं रन करता हूँ। तो बेसिकली आप फाइल को यहाँ पे यहाँ से भी रन कर सकते हो, रन पाइथन फाइल पर क्लिक करके, बट मैनुअल रन कर रहा हूँ। मैं जाता हूँ टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ पाइथन, मेरा फाइल नेम, तो मैं लिखता हूँ पाइथन लार्जेस्ट अब ऑफ 4 नंबर था मेरा, तो मैं लिखता हूँ 4Number1.py, एंड अभी मुझे यहाँ पे 4 नंबर इनपुट करना है, तो मैं 10, 60, 90, 20। ओके, तो यहाँ पे मेरा 90 इज ग्रेटर आ जाएगा। ओके, एंड मैं अगेन एक इनपुट लेता हूँ, मैं लेता हूँ बेसिकली 20, 10, 30 एंड 40। तो आप लोग जैसे यहाँ पे मेरा जो लास्ट कंडीशन था यानी नम4 जो मैंने एल्स में लिखा था मुझे वो मिल गया कि मेरा नम4 इज ग्रेटर, यानी 40 इज ग्रेटर मेरा। ओके, तो हमारा ये हो गया, हमारा यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो रहा है लार्जेस्ट अमंग 4 नंबर का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको ये कोड चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको ये लॉजिक का PDF चाहिए तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे मेल आईडी पर पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ रहा और आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो
हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।